सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की पहली कक्षा। वैदिक दर्शनों में वेदांत दर्शन भी एक छठा दर्शन स्वीकार किया जाता है। वेद को अधिकृत करके वेदानुसार ज्ञान की ठीक ठीक प्राप्ति कराने के लिए, हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों ने छह दर्शनों की रचना की। विषय ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चल रहे थे जब से वेद हैं, लेकिन उसके बाद चर्चा विचर्चा चलते रहे और उनमें से उन बातों को ग्रंथ के रूप में हमारे कुछ पूर्वज ऋषियों ने संग्रहित किया, जो कि आज हमारे पास उस रूप में उपलब्ध होते हैं। वो विचारधारा तो इन ग्रंथों के रचने से पहले भी प्रचलित थी, लेकिन हमें सूत्र रूप में, संग्रहित रूप में, एक व्यवस्थित रूप में इन ऋषियों के कारण से मिली है। तो छह दर्शनों में ये वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अन्य दर्शन जैसे कि प्रसिद्ध योग दर्शन, योग के साथ में जुड़ा हुआ है सांख्य दर्शन, इसी तरह से न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये चार दर्शन हैं, और बाकी के दो दर्शन मीमांसा के नाम से कहे जाते हैं और उसके दो भाग कर दिए गए, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व यानी पहले और उत्तर यानी बाद में। जो पूर्व मीमांसा है उसको आजकल मात्र मीमांसा के नाम से भी कहा जाता है, केवल मीमांसा कहें तो पूर्व मीमांसा का ग्रहण होता है, और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा के नाम से कहा जाता है। वैसे मीमांसा ग्रंथ दोनों को मिलाकर के भी कई टीकाकारों ने उद्धृत किया है, उसके 20 अध्याय कि मीमांसा 20 अध्याय की है। इनमें से पूर्व मीमांसा में 16 अध्याय हैं, 12 मुख्य अध्याय, फिर उसके अलावा 4 संकर्ष कांड के भी अध्याय मिला करके वो 16 अध्याय, और बाकी के 4 अध्याय वो हैं जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से अब पढ़ते हैं। इसमें 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी उसके 4-4 विभाग हैं। 4 अध्यायों में प्रत्येक में 4-4 हैं, ऐसे करके कुल 16 पाद इसके अंदर हैं। महर्षि दयानंद ने दर्शनों को पढ़ने का जो क्रम दिया, आर्षपाठ विधि तीसरे समुलास में लिखी, उसमें उन्होंने वेदांत दर्शन को सबसे अंत में लिखा है, 6 दर्शनों में पढ़ने के लिए। उसमें पूर्व मीमांसा को सबसे पहले लिखा है उन्होंने, जबकि आजकल स्थिति विपरीत हो गई है, वो कठिन होने से, बड़ा होने से उसको प्राय बाद में पढ़ते हैं, लेकिन उसको महर्षि ने सबसे पहले लिखा है ताकि वाक्य रचना का, वाक्यार्थ बोध हमें पता लग सके और दर्शनों का ठीक ठीक अर्थ जान सके, वो क्षमता विकसित हो। तो पूर्व मीमांसा, उसके बाद उन्होंने वैशेषिक और न्याय का दिया है, दूसरे क्रम पे वैशेषिक, तीसरे पे न्याय, चौथे पे योग दर्शन और पांचवें पे सांख्य दर्शन, और छठे क्रम में उन्होंने वेदांत दर्शन को लिया है। इसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म यानी बड़ा परमात्मा, ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, पालन करने वाला है, वो ब्रह्म, कर्मफल प्रदाता है वो ब्रह्म, उसके बारे में
इस दर्शन में विशेष चर्चा की गई है, इसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। उपनिषदों में परमात्मा के, ब्रह्म के वाचक बहुत से शब्द आए हैं, और वो शब्द अन्य वस्तुओं के भी हैं, लौकिक वस्तुओं के भी हैं, भौतिक वस्तुओं के भी हैं, कार्य जगत की वस्तुओं के हैं, आत्मा के भी हैं। तो अनेक बार ये संदेह होता है कि यहां ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए या जड़ वस्तु के लिए। तो वेदांत दर्शन में प्रारंभ में अनेक शब्दों को उठा के ये विवेचना की गई है। अब मीमांसा कहते ही उसको है कि कुछ ऊहापोह करके ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये क्यों ठीक है, ऐसे करके कुछ निर्णय करना, निश्चय करना, इसको मीमांसा कहते हैं, विवेचना कहते हैं। तो ऐसे संदिग्ध स्थलों की यहां पर विवेचना की गई है, वो प्रारंभ के भाग हैं। उसके बाद में फिर ब्रह्म को लक्ष्य के रूप में मुक्ति प्राप्ति, उसके साधन उपाय, कैसे कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, आत्मा से संबंधित और परमात्मा से संबंधित बहुत सारे विषय यहाँ पर आए हैं। एक तरह से आध्यात्मिक विषय हैं, इनकी आध्यात्मिक रुचि है उनके लिए इसमें बहुत सारी शास्त्रीय विवेचना है। आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में जैसे प्रश्न आते रहते हैं, उनका बहुत सो का यहाँ पर उल्लेख है, उनकी विवेचना है, निर्णय दिए गए उसमें। तो वेदांत दर्शन में चूंकि ऐसे शब्दों का चयन है जिन पे चर्चा चलती है, वो अधिकांश उपनिषदों के शब्द आते हैं, इसलिए वेदांत दर्शन पढ़ने से पहले उपनिषदों का ज्ञान भी कर लेना चाहिए, वो सुविधाजनक होता है। उपनिषदों का परिदृश्य हमारे सामने आ जाए, विषय सामने आ जाए, 11 उपनिषद जो सिद्ध हैं यानी प्रामाणिक रूप से हैं, या 10 उपनिषद, उनको पढ़ने के बाद में इसको पढ़ा जाता है, और उनके बहुत सारे वचन यहां भाष्यकारों के द्वारा भी उद्धृत किए जाते हैं। बार बार वो शब्द आएंगे, वाक्य आएंगे, प्रसंग उठाए जाएंगे, और उनको संकेतित करके यहां विवेचना चलेगी। वे मीमांसा है, पूर्व मीमांसा में भी ऐसा ही होता है, वहां भी बहुत सारे वचनों को ब्राह्मण ग्रंथों के, अन्य शास्त्रों के, मुख्य रूप से ब्राह्मणों के, उन वचनों को लेकर के चर्चा की जाती है कि ये क्या अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो यहां उपनिषदों का जो वर्णन आएगा, जिन्होंने पहले उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो भी इसको हम करते हुए उपनिषद के उन वचनों के को तो समझेंगे ही, विवेचना भी करेंगे, तो उसको आप देखते जाएंगे तो भी समझ में आएगा। और जो अधिक रुचि रखते हो वो उन स्थलों को उपनिषद में जाकर के फिर से देख लें, जिन्होंने उपनिषद पढ़ लिए हैं वो भी उन वचनों को उपनिषद खोल करके देख लें, ये देखो वहां क्या आया, क्या प्रसंग है, और यहां जो निर्णय दिया गया वो ठीक आया या नहीं आया। और जो सज्जन उपनिषद पढ़े बिना इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी यदि विस्तार से जाना चाहते हैं तो उन प्रसंगों में उपनिषद को खोल करके देखें। जो संस्कृत नहीं भी जानते तो उपनिषद के हिंदी के भाष्य भी उपलब्ध हैं, उनको देख लें, लेकिन फिर भी वहां जाकर के देखें, मूल पंक्ति को देखें और उसके अर्थ को देखें, तालमेल बना के देखें, तो एक ऐसा करते करते भी बहुत सारी उपनिषद का अध्ययन हमारा साथ ही साथ में हो सकता है। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी तो आवृत्ति हो ही जाएगी, वो विषय और दृढ़ हो जाएगा कि ऐसा ऐसा हाँ वहां आया था, हमने ऐसा अर्थ किया था, वो उचित था या नहीं था। हम वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे, उसमें सूत्र हैं और फिर उसका भाष्य भी है। मूल वेदांत दर्शन सूत्र के रूप में है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। ये वो महर्षि वेदव्यास हैं जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, इनका काल महाभारत के समकालीन माना जाता है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, और इनको बादरायण नाम से भी कहा जाता है। विद्वानों में दृष्टिभेद भी है, कुछ लोग बादरायण और व्यास जी को अलग अलग मानते हैं, लेकिन उदयवीर जी शास्त्री हैं, ब्रह्मुनि जी हैं और हैं, बहुत विद्वानों ने उसको सिद्ध किया है कि बादरायण और व्यास ये दोनों एक ही थे। तो हम जो पढ़ेंगे, मूल ग्रंथ तो केवल सूत्र वाला ही है, उसको तो हम देखेंगे ही,
लेकिन सूत्र इतने संक्षिप्त तो होते हैं, उनकी अवतर भूमिका इत्यादि मात्र सूत्रों से हमें नहीं पता लग पाती। ये सूत्र तो इस रूप में बनाए गए हैं जब इनको गुरु ने शिष्यों को पढ़ाया, ये परंपरा से पढ़ाते चलते थे, तो सूत्र के साथ साथ जब व्याख्याएं होती थी तो भूमिका भी आ जाती थी, व्याख्या भी आ जाती थी, तो सीधे सूत्रों से पढ़ सकते हैं। लेकिन परंपरा बहुत लंबे समय से लुप्त तो होती रही, और परंपरा को बनाए रखने के लिए भाष्यकारों ने टीकाएं की, भाष्य किए, सूत्रों की व्याख्या की, तो वो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है आज की स्थिति में। तो हम जो भाष्य लेके चलेंगे वो स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य है। स्वामी ब्रह्म मुनि जी के और दर्शनों के भी भाष्य हैं, व्याकरण के विद्वान थे, निरुक्त का भी उन्होंने भाष्य लिखा है, वेदों का भाष्य भी लिखा है, तो इस क्षेत्र के प्रकांड पंडित थे, बहुत उन्होंने अध्ययन चिंतन मनन इस क्षेत्र में किया। तो हम जो पढ़ेंगे वो तो वेदांत दर्शन संस्कृत वाला है, यहां पर जो हम पंक्तियां देखेंगे वो सूत्र को देखेंगे और सूत्र के भाष्य को देखेंगे, उसकी जो पृष्ठ संख्या बोली जाएगी, प्रश्नकर्ताओं की भी जो हो की जाएगी वो इस पुस्तक के अनुसार से होगी। और ये पुस्तक स्वाध्याय के रूप में निःशुल्क रूप में उपलब्ध है, और इसको वर्तमान में ऋषि उद्यान से भी प्राप्त कर सकते हैं, ऋषि उद्यान अजमेर से, और एक दो जगह पे भी ये उपलब्ध हो जाती है, लेकिन कोई अगर मूल संस्कृत को जानने वाले हैं तो ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग अजमेर इस पते से निःशुल्क मंगा सकते हैं इसको, जो संस्कृत जानने वाले हैं। और इसी का संस्कृत का ज्यों का तू भाष्य हिंदी में भी उपलब्ध होता है, पंक्तिशः किया गया भाष्य है वो ज्यों का तू है। तो जो संस्कृत नहीं जानते हैं लेकिन इन बातों को जिनको समझना है इन पंक्तियों के अर्थ को, तो वो इसी का हिंदी भाष्य ये वेदांत दर्शन के नाम से उपलब्ध होता है, ये छपा हुआ है, अनेक जगह पर उपलब्ध है, इसमें महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर हरियाणा में भी ये उपलब्ध हो जाता है, और अन्य भी बहुत जगह उपलब्ध होता है, लेकिन गुरुकुल झज्जर से इसको ले सकते हैं आप लोग, प्राप्त कर सकते हैं। और जो वेदांत को और विस्तार से देखना चाहते हैं, विवेचना सहित और अधिक विवेचना की जिनकी रुचि है, जिनके पास समय है, तो अन्य पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। प्रथम दृष्टया तो आपको वही जो यहां पढ़ाया जा रहा है एक प्रथम इन ब्रह्मुनि जी वाले से ही हमें पढ़ लेना चाहिए, और फिर दूसरी विवेचना में जाना चाहिए, नहीं तो अलग अलग अर्थों को पढ़ते हुए विवेचना को करते हुए असमंजस की स्थिति, संशय की स्थिति आ जाती है कि ये तो क्या है, ये अर्थ है या ये अर्थ है। इसलिए पहले एक सिद्धांत पक्ष पूरा का पूरा समझ लेना चाहिए। आप में से जो प्रबुद्ध हैं, जो इन बातों को समझते हैं, बहुत शास्त्रों को पढ़ रखा है, व्याकरण आदि पढ़ रखे हैं, संस्कृत जानते हैं, अन्य दर्शनों को पढ़ रखा है, वो चाहें तो अन्य पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, और उन पुस्तकों में भी उदयवीर जी शास्त्री की पुस्तक है, दर्शनों के बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रह्मसूत्र के नाम से इनकी पुस्तक उपलब्ध है, और ये गोविंदराम हासानंद दिल्ली यहाँ पर से प्रकाशित है, नई सड़क में, वहाँ से आप लोग उपलब्ध कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी इनका रहता है, गोविंदराम हासानंद के नाम से आप लोग देख सकते हैं, जो श्रोतागण भी विशेष रूप से और विवेचना देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ब्रह्मसूत्र के बहुत सारे भाष्य उपलब्ध होते हैं आज भी, लेकिन उनमें सबसे प्राचीन भाष्य शंकराचार्य जी का है, आचार्य शंकर का है, और वो इतना प्रमुख बना कि उसके और बहुत सारे भाष्य हुए, बहुत सारी टीकाएं हुई। उन्होंने अपना भाष्य अद्वैत परक लिखा, जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है, प्रकृति भी अलग से कुछ नहीं है, वो कार्य रूप में परिणित है, ब्रह्म का ही एक रूप है, अर्थात ब्रह्म ही केवल एक है, ये अद्वैत की उनकी मान्यता थी, उसके अनुरूप उन्होंने भाष्य बनाया, और वो इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना व्यापक हुआ, आज भी प्रचलित है कि जब वेदांत शब्द बोला जाता है तो अद्वैत ही समझा जाता है, जब वेदांत बोलते हैं तो अच्छा अद्वैत, इतना पर्यायवाची हो गया
और जुड़ गया अद्वैत उसके साथ में। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वेदांत दर्शन एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसकी अद्वैत परक व्याख्या शंकराचार्य जी ने की है और इसकी व्याख्याएं अपने अपने अनुसार वहीं तक नहीं रुकी, आगे के भी जो आचार्य हुए हैं, विशिष्टाद्वैत वाले हैं, द्वैत वाले हैं, द्वैताद्वैत वाले हैं, शुद्धाद्वैत वाले हैं, ये बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने अपने अपनी दृष्टि से अपनी मान्यता के अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तो सबसे अधिक व्याख्याएं संस्कृत टीकाएं हमें वेदांत दर्शन की मिलती है, ब्रह्मसूत्र की मिलती है, इतनी अधिक है। अन्य दर्शनों में इतना भेद नहीं है, अन्य में भी बहुत मिलता है, लेकिन इसमें तो बहुत ही चर्चा हुई और बहुत बड़ी बड़ी टीकाओं की टीका, टीकाओं की टीका, बहुत विस्तार से इसका पठन पाठन भी हुआ, प्रचार भी हुआ, इसके बारे में बोला जाता है। तो वेदांत के नाम से अद्वैत वेदांत ये हमें न लेकर के इसको वेदांत को केवल वेदांत के रूप में लेना है। अब यहां द्वैत है या अद्वैत है वो हम पढ़ेंगे, मैं भी पता लगता चलेगा कि यहां पर क्या सिद्धांत है। वैदिक दृष्टि से तो इसमें त्रैतवाद का ही सिद्धांत है, ईश्वर अलग, ब्रह्म अलग, जीव अलग, प्रकृति अलग, तीनों की नित्य सत्ता है। फिर भी आप लोग भी सूत्र देखेंगे, उद्धरण देखेंगे, उन्होंने जो उद्धरण दिए कुछ विवेचना पूर्वक चलेगा ये। अरे ग्रंथ ऐसा है कि केवल सिद्धांत या व्यापार व्यवहार केवल इतना ही कहते हुए नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मीमांसा का भाग है, इसलिए विवेचना तो चलेगी और अनेक जगह विवेचना काफी गंभीर भी हो जाती है। संस्कृत के शब्दों पर केंद्रित होती है, संस्कृत के वाक्यों पर केंद्रित होती है और निर्णय उन वाक्यों से आता है, आगे पीछे की पृष्ठभूमि में आता है, मात्र तर्क से नहीं चलता है। बहुत जगह तर्क युक्ति से भी निर्णय होगा, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से भी वहां पर विवेचना अपेक्षित है कि ये वाक्य आखिर कह क्या रहा है, जिसको लेकर के मत भिन्नता हुई है। तो ये बीच बीच में गंभीर भी चर्चा है और वेदांत अन्य दर्शनों की अपेक्षा जो गंभीरता से चर्चाएं हुई हैं, शास्त्रार्थ हुए हैं और बहुत अधिक खंडन वंडन हुआ है, वो वेदांत को लेकर के हुआ है। तो ये वेदांत दर्शन यानी ब्रह्म सूत्र, इसमें कुल मिलाकर के 555 सूत्र हैं, चारों अध्यायों के मिला के 555 सूत्र हैं। और अन्य दर्शनों की अपेक्षा, विशेष रूप से योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, इनकी अपेक्षा इनके सूत्र संक्षिप्त अधिक हैं और पृष्ठभूमि भूमिका आसानी से पता नहीं लगती है और शब्द रचना इतनी संक्षिप्त सूक्ष्म है कि वो कोई उसको इधर उधर भिन्न भिन्न अर्थों में भी ले जाते हैं, विचारणीय हो जाता है, इसलिए वो सूत्र अनेक जगह पर हमें कठिन भी लगेंगे और जो अर्थ लिया जाएगा उसके लिए लगा कि ये अर्थ इसी से निकला कैसे है, लिया कैसे गया, ये सारी की सारी विवेचना होगी। तो वेदांत शब्द में वेदांत दर्शन है, दर्शन तो जिससे हम जानते हैं समझते हैं, और इसमें जो वेदांत शब्द है, एक तो वेद शब्द है और एक अंत शब्द है। तो सामान्यतया लोग वेदांत जब करते हैं और थोड़ा अर्थ अपनी हिंदी भाषा का जैसा देखते हैं तो कहते हैं कि वेद का अंत, वेदांत क्या है, वेद का अंत, ये अर्थ लेते हैं। यानी वेद कोई जो पुस्तक है, यानी चार वेद हैं उनमें से कोई सा या वो, तो बोलते हैं कि उसका अंत है ये, अर्थात ये वेद के अंत में आया है, वेदों का ही भाग है और वेद के अंतिम भाग में जैसे कि कोई परिशिष्ट हो या वो, ये वेद का ही भाग है, इसलिए वेदांत है। एक बार जब मैं रोजर में पढ़ता था, वहां रहता था, तो एक व्यक्ति आए, मैं समझ नहीं पाया उनके, वो बोले कि मेरे को वेद का अंत देखना है, वेदांत नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे को वेद का अंत देखना है। बोले जिज्ञासु बाहर से आए चल करके दर्शन योग महाविद्यालय में, तो कुछ पूछने आए, आचार्य जी ने मेरे को कहा कि भाई कुछ पूछने आए, इनका समाधान कर देना। मैं कहा वेद का अंत, अब मेरे मन में ये वेदांत दर्शन नहीं आया उस समय, तो पहले तो मैं समझा नहीं, मैंने वेद का अंत ये कैसे कह रहे हैं, एक एक वेद के अलग अलग अंत हैं। तो मैंने सोचा कि शायद चलो अंतिम वेद है अथर्व वेद, चारों वेदों का अंत ये देखना चाहते हैं। तो मैं उठ के गया और पुस्तक लेकर के आया, तो मैंने कहा आप जो अंत देखना चाहते हैं तो ये है।
वेद का अंत ये है, अब आप इसमें क्या देखना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। फिर वो शंकर नाम लिया उन्होंने किया, तो मेरे को लगा कि ये तो इस वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं, पर उन्होंने क्या समझा था कि वेदांत क्या है, वेद का अंत है और वेद का ही कुछ अंत के मंत्र या कुछ वेदों के ही भाग यहां पर हैं, तो ऐसा यहां पर इस वेदांत शब्द से नहीं लेना चाहिए, ऐसा है ही नहीं इसमें, इसमें एक भी वेद मंत्र नहीं है, किसी भी वेद का मंत्र ये तो सूत्र है। हाँ, वेदों के आधार पर कुछ चर्चा है, वेदों में जो विषय है उनकी चर्चा है, उपनिषदों की चर्चा है, लेकिन उसको कथन नहीं है यहां पर ऐसा। लेकिन वेद के साथ में इसका क्या तालमेल है, जोड़ है, तो उसकी अनेक तरह से व्याख्याएं होती हैं, संगति होती है। तो अंत शब्द एक निर्णय के लिए भी आता है, निश्चय के लिए आता है। जैसे कि हम एक शब्द बोलते हैं सिद्धांत, सिद्धांत बोलते हैं भाई इस विषय में क्या सिद्धांत है, मूल तत्व क्या है, निश्चय क्या है, निर्णय क्या है, ओके ये सिद्धांत है। और सिद्धांत में क्या है, सिद्ध अंत, ऐसा अंत जो कि सिद्ध है वो सिद्धांत है। अंत क्या है वहां पर, तो एक पक्ष हो गया, एक विषय हो गया, तो उसको जैसे हम बोलते हैं सिद्धांत, ऐसे ही वेदांत कहेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम कहें वेद का सिद्धांत का जो हम अर्थ लेते हैं उस दृष्टि से, तो वेद का निश्चय, वेद का सार, वेद का जो अंतिम चीज है। अब वेदों में तो सब चीजें बताई गई हैं, वेदों में शरीर के बारे में भी है, प्रकृति के बारे में भी है, आत्मा के बारे में भी है, परमात्मा के बारे में भी है, लेकिन वेद में जितना भी कुछ बताया गया है उसके मुख्य लक्ष्य क्या है, तो मुख्य चीज वहां पर है ब्रह्म परमात्मा। वेद का मुख्य विषय, प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म है, बाकी चीजें भी बताई गई हैं, वो परमात्मा को समझाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए उसके बहाने बताई गई हैं, व्यवहार की बातें भी बताई गई हैं, वो परमात्मा को जोड़ करके हैं। तो यदि वेदों का सार अंतिम हम कहना चाहें तो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसी की प्राप्ति के लिए, उसी के द्वारा वो निर्मित है। तो वेद का जो अंत यानी तो ब्रह्म परमात्मा, और वेदांत दर्शन यानी तो ब्रह्म से संबंधित जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन हो गया। इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रह्म सूत्र भी है, वो भी इसी बात को बताता है कि इसका मुख्य विषय ब्रह्म है और वेद का विषय मुख्य विषय भी ब्रह्म है। सर्वे वेदा यत् पदम आम अनंती, सब कुछ ब्रह्म की तरफ, परमात्मा की तरफ ले जाता है, ब्रह्म की तरफ ले जाता है। इस दृष्टि से इसको हम ब्रह्म सूत्र यानी वेद का कह सकते हैं। दूसरा अंत होता है बिल्कुल जो आखिरी चीज होती है, आखिरी बात, इस तरह कहते हैं ना, इस तो अंत आ गया इसका, यानी चरम आ गया, उसकी जो अंतिम स्थिति है, अंतिम बात है। तो वेद की अंतिम बात क्या है, वेद की अंतिम बात ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, उस दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं। इसको ब्रह्म जिज्ञासा का, इसका जो पहला सूत्र आएगा उसमें भी ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म शब्द आया है, उसकी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो उसी संदर्भ में हम वेदांत दर्शन और ब्रह्म सूत्र इस इनको समझ सकते हैं। वेदांत दर्शन के भाष्यों में जैसा कि आपके सामने पहले रखा कि आचार्य शंकर का भाष्य अभी सबसे प्राचीन उपलब्ध होता है और प्रसिद्ध भी अधिक है, उसके बाद बहुत सारे भाष्य टीकाएं, भाष्यों पे भी भाष्य है, टीकाओं पे भी टीकाएं हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सबसे प्राचीन भाष्य शंकराचार्य जी का ही था। शंकराचार्य जी खुद अपने भाष्य में पूर्व भाष्यकारों का उल्लेख करते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, ऐसा कुछ ने कहा है, अन्यों का उल्लेख करते हैं, यानी शंकराचार्य जी के समय भी बहुत सारे दूसरे भाष्य उपलब्ध थे, पर आज हमारे को उपलब्ध नहीं होते, कहीं पड़े हों पांडुलिपि के रूप में, कभी निकल करके आए तो आए, अभी वो हमें उपलब्ध नहीं होते, मिलते नहीं हैं। और महर्षि दयानंद ने जब इन दर्शनों को पढ़ने के लिए कहा तो उनके ऋषिकृत भाष्यों सहित पढ़े, ये भी उल्लेख किया है, और वहां उन्होंने ऋषियों के नाम भी लिखे हैं। तो वेदांत दर्शन के बारे में महर्षि सत्यात् प्रकार समुलास 3 में क्या लिखते हैं, व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्र पर,
वेदांत सूत्र हैं वो तो व्यास मुनि कृत हैं, उन पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य, वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य पढ़े। अब महर्षि के समय वो रहे हों, हो सकता है, संभावना है, तभी वो उसका निर्देश कर रहे हैं। ये तो अभी की बात है, 125-150 साल पहले की बात है। लेकिन अभी उन वात्स्यायन भाष्य के नाम से वेदांत दर्शन का कोई भाष्य उपलब्ध नहीं हो रहा है। न्याय दर्शन का वात्स्यायन भाष्य मिलता है, वेदांत का तो उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा उन्होंने भाष्य लिखा, अथवा बोधायन मुनिकृत भाष्य वृत्ति सहित पढ़ें पढ़ावें। बोधायन मुनिकृत भाष्य यह भी उपलब्ध नहीं होता है। तो ये ऋषिकृत भाष्य उपलब्ध नहीं होते, इसलिए आर्ष परंपरा में ब्रह्मुनि जी का भाष्य हम यहां लेकर के चलते हैं, उसको एक आधार बनाते हैं। चर्चा उस पर भी होती है, उसमें भी ठीक है नहीं है ये कुछ चर्चा भी साथ में चलेगी, लेकिन ब्रह्मुनि जी का भाष्य मुख्य आधार लेते हैं, क्योंकि यहां पर गुरुकुल में संस्कृत भाष्य को लेकर हम पढ़ाते हैं। नहीं तो केवल हिंदी में या मात्र सूत्र के आधार पर करें, वो एक उस तरह भी पठन पाठन हो सकता है, हम भाष्य तक जाए ही नहीं। लेकिन यहाँ गुरुकुल में जो पठन पाठन होता है, दर्शनाचार्य जो बनते हैं एक एक दर्शन पढ़ते हैं, उसमें तो एक भाष्य तो कोई ना कोई संस्कृत का लेते ही है। इसलिए 6 दर्शनों में हम न्याय दर्शन वात्स्यायन मुनि का उपलब्ध है ले लेते हैं, योग दर्शन का व्यास जी का भाष्य है वो ले लेते हैं, और मीमांसा का शाबर भाष्य, शबर मुनि का भाष्य जितना उपलब्ध होता है वो ले लेते हैं, या देव मुनि अन्य भी कुछ हैं उनका उल्लेख कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं। लेकिन वैशेषिक, सांख्य और वेदांत, इन तीन के हमें ऋषिकृत भाष्य उपलब्ध नहीं होते। और वैशेषिक का जो प्रशस्तपाद भाष्य के नाम से मिलता है, वो सूत्र का जैसा भाष्य होता है वैसा नहीं, वो एक अलग स्वतंत्र ग्रंथ है, विषय वही है, इसलिए वो भी गृहित नहीं हो पाता है। और प्रशस्तपाद भाष्य जो आज प्रचलित है, महर्षि उसी का कह रहे हैं, दूसरा भी ये विचारणीय बिंदु है। तो यहां गुरुकुल में 3 दर्शन हम ब्रह्मुनि जी के भाष्य के ही पढ़ाते हैं, उसमें ये वेदांत दर्शन भी है। तो ये बोधायन ऋषि का नाम अन्य टीकाकारों के द्वारा भी मिलता है। इन्होंने बहुत बड़ी व्याख्या लिखी थी पूरे मीमांसा की, यानी पूरे 20 अध्यायों की, ये उल्लेख किया गया है, लेकिन वो विस्तृत थी। तो उनके बाद में उसको संक्षिप्त किया, एक अन्य व्याख्याकार हुए उपवर्ष नाम के, उन्होंने किया। और भी कई टीकाकारों के नाम मिलते हैं जो आज उपलब्ध भाष्यकार टीकाकार हैं, उनमें इन पुराने टीकाकारों के नाम मिलते हैं। उससे हमें एकदम स्पष्ट प्रतीति होती है कि और बहुत सारे भाष्य इनके समय उपलब्ध थे, वो उनको उद्धृत करते हैं, वाक्य देते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, समर्थन या तो उसका विरोध करते हैं, इत्यादि वो विवेचनाएं हैं। तो इससे ये तो पक्का है कि बहुत सारे भाष्य पहले थे लेकिन आज उपलब्ध नहीं है। यहां भूमिका आदि में और भी बहुत सारे भाष्यकारों के नाम दिए हुए हैं। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रामाण्य अप्रामाण्य विषय में भी इस बात को उल्लेखित किया कि वेदांत शास्त्र व्यास मुनि कृत सूत्र जो बोधायन वृत्त्यादि व्याख्या सहित है, बोधायन मुनि की वृत्ति व्याख्या है, बहुत विस्तृत उस समय उपलब्ध रही होगी। तो ये तो इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि हुई वेदांत दर्शन की, और इसको हम प्रारंभ करते हैं थोड़ा। इसका मुख्य विषय क्या है? जैसे अन्य सब दर्शनों की शैली है वैदिक दर्शनों की, अथ से प्रारंभ करते हैं, यहां पर भी किया गया, और अपने मुख्य विषय को पहले सूत्र में और आगे के कुछ सूत्रों में स्पष्ट किया गया कि हम क्या विषय अधिकृत कर रहे हैं। तो वेदांत दर्शन का प्रथम अध्याय और उसका प्रथम पाठ, तो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ मंगलाचरण के लिए भी प्रयोग होता है, विषय भी अधिकृत किया जाता है, और अनंतर अर्थ में भी होता है इसके बाद में। अतः इस कारण से, हेतु बताया जा रहा है, इसके बाद में इस कारण से ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ब्रह्म का विषय उपस्थित किया जा रहा है, ब्रह्म कैसा होता है क्या होता है उससे संबंधित, ब्रह्म को ठीक ठीक जान सकें, यह विषय अधिकृत किया गया है। पूरे शास्त्र में यही चलेगा,
उससे संबंधित बातें चलेंगे, और इसीलिए ब्रह्मसूत्र नाम भी इसको दे दिया गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसमें जो ब्रह्मुनि जी ने भाष्य किया है उसको देखिए, अथ अथ शब्दो अनंतरार्थ, अनंतर के अर्थ को देता है, अनंतर यानी बाद में, इसके बाद में, किसके बाद में ये तो यहां लिखा हुआ नहीं है, बस बाद में अथ अब, जैसे कि हम कुछ पाठ आदि भी करते हैं, अथ संकल्प पाठ अधिकृत करते हैं, अब इसके बाद में ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो अनंतर अर्थ है इसके बाद में। आगे कहते हैं ये अनंतर किसके, उसको खोलते हुए कहते हैं, अधुना जगति रोग वियोग भोग दुखानुभवम दुखानुभव अनंतरम पुनश्च जगतो नश्वरत्व अनित्यत्व अनुमिति अनंतरम। अनंतर मतलब यहां अधुना इस जगति, इस जगत पे जो कोई व्यक्ति जी रहा है इसमें रोग वियोग और भोग, तीन चीजें कही हैं, इन तीनों से जो दुख उत्पन्न होता है उसके अनुभव के बाद में। ब्रह्म की जिज्ञासा कब होगी, रोग जन्य दुख अनुभव किया है, नहीं रोग है इसमें और उससे छुटकारा पाना है, दुख है अनुभव में आएंगे तो छुटकारा पाना चाहते हैं, और खूब रोग देख लिए, ये रोग के बिना हो नहीं सकता, रोग तो आ ही रहे हैं, जन्म शरीर में रोग आते रहेंगे रोग। दूसरा है वियोग, बहुत सी चीजें मिली छूट गई, धन संपत्ति मिली छूट गई, व्यक्ति मिले जुड़े परिवार वाले चले गए, वियोग भी होता ही रहता है, और उस वियोग के साथ साथ हमें दुख भी होता रहता है। तो रोग वियोग और भोग, भोगों को भोगते भोगते भी दुख आ जाता है, हम सोचते हैं कि भोगों को भोगेंगे सुखी हो जाएंगे, सुख भोगते भी रहते हैं, सुख प्राप्त भी करते रहते हैं, पर उसको करते करते और अधिक सुख की चाह में हमारे को और दुख आने लग जाते हैं, कष्ट आने लग जाते हैं। अर्थात जीवन का अनुभव रोग के रूप में, वियोग के रूप में, भोग के रूप में जब किया और इससे जो दुख की प्रतीति हुई उसके बाद में ये ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। जिसको इनमें कष्ट अनुभव नहीं हो रहा है, रोग भोग वियोग के अंदर, रोग वियोग भोग के अंदर, वो क्यों ब्रह्म की जिज्ञासा करेगा, क्या आवश्यक है उसको। और जिनको रोग में कष्ट होता है तो सभी को होता है वैसे तो, लेकिन रोग हुआ चिकित्सा करा ली, ये हुआ दर्दनाशक औषधि ले ली, ये कर लिया बस मिट गया, अब कोई चिंता नहीं, अब रोग से भयभीत नहीं है उससे। लेकिन जब व्यक्ति देखता है कि रोग तो जुड़े हुए हैं इसमें, बहुत अच्छी तरह चलते भी होते रहते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, वियोग क्यों हो जाता है, कोई व्यक्ति क्यों चला जाता है अपना आत्मीय, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है और हमें वैसे भी छोड़ के चला जाता है, जीवित रहते हुए भी हमारे संबंध ऐसे हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं परिस्थिति वशात, वो कहीं दूर चला जाता है, और भोग में भी आते रहते हैं, आशा थी सुख की और साथ में दुख आ गया और भयंकर दुख भी आ जाता है। तो कहा अथ इसके बाद में, कब, जब रोग वियोग भोग से होने वाले दुख को प्रत्यक्ष अनुभव किया है उसके बाद में अनंतर। ये तो प्रत्यक्ष का उदाहरण दिया। पुनश्च, और उसके बाद में अनुमान से कर रहे हैं, जगत नश्वरत्व अनित्यत्व अनुमिति अनंतरम, जगत की इस संसार की नश्वरता की नष्ट होने वाला है, ये शरीर भी आ गया और भी चीजें आ गई, घर परिवार सब आ गए, और अनित्यत्व ये नित्य नहीं रहने वाले हैं, सदा नहीं रहने वाले हैं, तो नश्वरत्व और अनित्यत्व इन दोनों की अनुमिति अनुमान के बाद में। भले ही हमें पृथ्वी दिख रही है कि लगातार चल रही है, हमारे जन्म के समय थी और मृत्यु के समय भी थी, रहेगी, तो इससे प्रतीत होता है जैसे कि ये नित्य है, लेकिन जब अनुमान करते हैं तो नहीं, ये उत्पन्न हुई होगी ऐसा ऐसा, ये टूटती है, इसको तोड़ा जा सकता है, इसके अवयव है तो ये कभी ना कभी बनी है, तो कभी ना कभी नष्ट भी होगी, इसकी नश्वरता का अनुभव किया, अनित्यता का अनुभव किया, ये सदा नहीं रहने वाले हैं, तो फिर आखिर हमारा स्थायित्व कहां है, कहां जाएंगे, या इसी में ही भटकते रहेंगे, इस तरह के प्रश्न होने लगेंगे। तो इस जगत की नश्वरता और अनित्यता की अनुमिति यानी अनुमान करने का, जब अनुमान हो गया कि ये तो सब कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं रहने वाला है, चला जाने वाला है, उसके बाद में। अब बच्चे को कभी खिलौना देते हैं तो उसको ये थोड़ा ना ध्यान रहता है कि यह चला जाएगा या टूट जाएगा, वो तो ये मान के चलता है हमेशा के लिए आ गया मेरे पास, वो सोचता ही नहीं है कि टूट भी जाएगा या तो छीन लिया जाएगा या खराब हो जाएगा, छोटे बच्चे।
इस विषय में विचार ही नहीं होता है उसका। ऐसे ही संसार में बड़े व्यक्ति भी संसार को भोगते हुए सब इतना विचार नहीं करते कि सब चला जाएगा, वो तो ये सोचते हैं जैसे हमेशा रहेगा। लेकिन जब अनुभूति होती है तो अब होता है कि आखिर फिर स्थायित्व कहां है, तो ये ब्रह्म की जिज्ञासा अब प्रारंभ होती है। आगे अत्र खलु शंकर भाष्य, अभी शंकर भाष्य की विवेचना प्रारंभ कर दी इन्होंने। इन्होंने अपना उत्तर बताया अथ शब्द का मतलब अनंतर, और अनंतर यानी रोग वियोग भोग के दुख के बाद और संसार की अनित्यता अनश्वरता देखने के बाद में अब ये ब्रह्म की जिज्ञासा है। ये सारी विवेचनाएं अन्य दर्शनों में भी पढ़ ली, अन्य ग्रंथ भी पढ़ लिया, इसलिए दर्शनों में सबसे अंत में वेदांत दर्शन को लिया। नहीं तो ब्रह्म के बारे में सुनते हुए भी व्यक्ति सुनता नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं होती है। नाम मात्र को हो गया, भगवान का नाम लेना है, भगवान ऐसे, उसके आगे कुछ नहीं, गंभीरता आती ही नहीं है। मानने के लिए मानते रहते हैं, प्रार्थना के लिए मानते रहते हैं, लेकिन ब्रह्म है क्या ये जिज्ञासा, जो संसार में रथ है उसी में सुख ले रहा है, उसमें उलझा हुआ है, उसको ये बात ही नहीं आएगी, प्रश्न ही नहीं उठेगा उसके जीवन का, वो प्रश्न नहीं बनेगा, अपना प्रश्न नहीं बनेगा, वैसे ही चर्चा के लिए हो जाए हो जाए, वो भी नहीं होता है। ये व्यक्ति का अपना प्रश्न बन जाए कि मेरे को ब्रह्म को जानना है, जरूरी है, उसके बिना मेरी समस्याओं का समाधान नहीं है, ऐसी जिज्ञासा कब होगी, जब ये चीजें होंगी, एकदम नहीं आने वाली है। इसलिए अथ मतलब अनंतर का, ये तो ब्रह्मुनि जी ने अपना अर्थ दिया। अब वो शंकराचार्य जी का भी अर्थ बताएंगे, उन्होंने क्या लिया, क्योंकि वो उसका निषेध करना कि ये अर्थ ठीक नहीं है। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, तो अत्र खलु शंकर भाष्य, शंकर भाष्य मतलब शंकर के भाष्य में, शम दम आदि साधनानंतरम उक्तम, उन्होंने कहा शम दम आदि जो साधन है, मुक्ति के साधन है, उसके बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा करें। शम दम आदि जो षट संपत्ति है, सत्यात प्रकाश में भी महर्षि ने लिखी है, तो उसके अंदर शम दम उपनिषद में भी आता ही है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये छह चीजें हैं। तो ये जो शम दम आदि है उसका मतलब इन छहों का ग्रहण करना चाह रहे हैं, और वहां भी महर्षि ने मुक्ति के उपायों में ही उनको भी लिखा है, मुक्ति के उपायों में भी, ये परंपरा से माने जाते हैं, शंकराचार्य जी भी मानते हैं। तो बोले ब्रह्म की जिज्ञासा कब होगी, अथ का मतलब अनंतर ही कर रहे हैं शंकराचार्य जी, जब शम दम उपरति तितिक्षा समाधान ये जो सब उसने कर लिया है उसके बाद में, शम दम आदि के बाद में, कि उसने शांति से रहा, इंद्रियों का संयम किया, विषयों से हटा, सहनशीलता की, श्रद्धा की, समाधान को, निश्चय को प्राप्त हुआ, अब इसके बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा की जा रही है। अब जिसने शमदम ही नहीं किया, उपरति तितिक्षा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, कुछ समाधान निश्चय तक ही नहीं पहुंचा, अब वो ब्रह्म की चर्चा चल रहा है, कर रहा है, उसमें भाग ले रहा है, तो शंकराचार्य जी की दृष्टि से वो ब्रह्म की चर्चा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी, बैठेगी नहीं, वैसे ही चर्चा कर चल रही है। तो उन्होंने कहा शमदम आदि के बाद में। दूसरा, शमदम आदि क्यों लिखा शंकराचार्य जी ने, कि ये जो दो मीमांसा के ग्रंथ हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, तो अथ मतलब तो इसके पूर्व मीमांसा का ग्रहण हो जाएगा, पूर्व मीमांसा के बाद में। अब पूर्व मीमांसा में कर्म कांड का विषय मीमांसा के लिए लिया गया है, विवेचना के लिए लिया गया है, बहुत अधिक उसमें कर्मकांड की बातें हैं, वाक्यार्थ बोध का ग्रंथ है लेकिन कर्मकांड की बातें प्रसंगवशात ली गई हैं। तो बोले कर्मकांड के बाद में ऐसा जो लोग अर्थ लेते हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि उस कर्मकांड का इससे लेना देना नहीं है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, कर्मावबोधनस्य आनंतर्यम निराकृतम, शंकराचार्य जी ने कर्म के अवबोध के बाद में, कर्म मतलब कर्मकांड, सोमयाग आदि बहुत सारे यज्ञ आदि हैं, उसके बाद में जो कि पूर्व मीमांसा में आते रहते हैं, उसके बाद में इसको निषेध करने के लिए उन्होंने शमदम आदि का लिखा है। क्योंकि तो कर्मकांड को करते करते तर्क भी दिए हैं शंकराचार्य जी ने कि कर्मकांड को करते करते ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों होगी, उसको कर्मकांड का प्रयोजन इस लोक की और परलोक के सुख की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति है, ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति है इत्यादि वहां पर बताए गए हैं, तो जो इसी में रथ है उसको ब्रह्म की जिज्ञासा क्या होगी। इसलिए कोई पूर्व मीमांसा वाला कर्मकांड का अर्थ ना ले, उसको हटाने के लिए उन्होंने शम दम आदि का लिखा कि ये जो जिसने कर लिए अब वो ब्रह्म की चर्चा करने के लिए, विवेचना के लिए तैयार है, उसकी मानसिक स्थिति बनी है,
अब वैसे कोई यम नियम का पालन नहीं करे, शमदम आदि कुछ है नहीं, भोगों में फंसा हुआ है, अब वो ब्रह्म की चर्चा कर रहा है, उसका क्या विशेष प्रयोजन है? कुछ भी नहीं, केवल बौद्धिक चर्चा है। न तो वो समझ पाएगा, ना ले पाएगा, वो अपनी ही दृष्टि से देखेगा। ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने गंभीरता से कुछ जीवन बनाया है, ऐसा शंकराचार्य जी का अभिप्राय था। आगे, तस्य ब्रह्म जिज्ञासायाम अनपेक्षत्वम प्रदर्शे, यानी तस्य मतलब उस कर्म का, मीमांसा दर्शन में अर्थात धर्म की जिज्ञासा की चर्चा आई, वो धर्म मतलब कर्म है, तो ब्रह्म जिज्ञासा में इसका अनपेक्षत्व प्रदर्शित करते हुए कि इसको पूर्व में रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर अनंतर शब्द आता है उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा होती है तो यह एक अनिवार्य नियम बनेगा कि पहले कर्मकांड को जाने, कर्म की जिज्ञासा करे, उसको जान लिया है, अब ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा, वो अनिवार्यता उसके साथ में जुड़ेगी। तो उसकी अनपेक्षता को प्रदर्शित कर किया उन्होंने। तदवत्तु, ये ब्रह्म मुनि जी अब इसका निषेध कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है कर्मकांड की, ठीक है, लेकिन ये बात तो, ये तर्क तो आपका शमदम पे भी लगेगा। जैसे कहते हैं तदवत्तु शमदम आदि साधनम अपि निराकरणम अर्हति, शमदम आदि भी निराकरण को योग्य है, वो भी हट जाएगा फिर तो, क्यों? यतो ही शमदम आदि साधनम तु पर्वतारोहण सदृशम कठिनतमम कृत्यम। शमदम आदि सामान्य चीजें नहीं है, बहुत ऊंची चीजें हैं, ये कठिन पर्वत पर चढ़ने के समान है, कठिन पर्वतारोहण के समान है, कठिनतम है, कठिनतम कृत्य है। यो ही किला भूस्थले दुखम अनुभवेत पर्वते च सुखम लक्ष्येत सही पर्वतारोह पर्वतम आरोहति। पर्वत पे कौन जाएगा जो भूमि पे दुख अनुभव कर रहा हो, इसको तो छोड़ना है मेरे को, यहां बहुत प्रदूषण है या और कुछ है, मेरे को तो पर्वतों पे जाना है और वहां सुख अनुभव करता हूं, वो जाएगा वहां पर। शमदम आदि में कौन जाएगा जो इस संसार में शमदम से विपरीत जो विषय भोग की स्थिति है उसमें कोई दुख अनुभव करेगा तो शमदम आदि में जाएगा वो, नहीं तो कोई नहीं जाएगा उसमें। क्यों करेगा शमदम, क्यों करेगा श्रद्धा, क्यों करेगा उपरति, क्यों करेगा तितिक्षा, क्यों सहन करेगा वो? जब व्यक्ति को यहां दुख दिखाई दे रहा है, वहां सुख दिखाई दे रहा है, तब उधर जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा वहां पर। तो तथैव शमदमादि साधनम अपि स एव अभ्यसेत यो ही खलु उपगच्छेत वैराग्यम। शमदमादि का पालन भी वही व्यक्ति करेगा जिसको वैराग्य कुछ ना कुछ हुआ है, संसार से कुछ ना कुछ वैराग्य हुआ है, वो धर्म का पालन करेगा, वो शमदमादि का पालन करेगा, अध्यात्म की प्रारंभिक बातें भी वही करेगा। जो संसार से वैराग्य ही नहीं, वो क्यों आएगा यहां पर? उसके लिए एकदम व्यर्थ चीजें हैं, मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा अतः तदुक्तम अस्माभिः, इसलिए हमारे द्वारा ये कहा गया, इन्होंने जो रोग वियोग और भोग, इसमें जो दुख हुआ और संसार और जगत की अनित्यता नश्वरता को जो देखा, इसको देख करके जो एक वैराग्य पैदा हुआ, इसलिए बोले हमने कहा अतः का मतलब इसके अनंतर अब ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। धर्म की जिज्ञासा भी वैसी ही होती है, मनुस्मृति में भी कहा गया है, जो विषयों में आसक्त नहीं है, अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, अर्थ कामेश्वर कामेशु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, जो इसमें आसक्त नहीं है उनके लिए धर्म का है, गंभीर धर्म की बात है। बाकी तो जो आसक्त हैं उनको भी धर्म और अध्यात्म का उपदेश दिया जाता है, सीखें कुछ, अनुभव भी ले लें। तो ब्रह्मुनि जी कहना चाहते हैं यहां अथ का मतलब आनंतर, यानी वैराग्य के बाद में अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है, कुछ वैराग्य आना चाहिए किस स्तर तक। आगे, वस्तु तस्तु ब्रह्म जिज्ञासाया कारणम वैराग्यम एव, वास्तव में तो ब्रह्म जिज्ञासा का कारण ये वैराग्य ही है, नहीं तो जिज्ञासा नहीं होगी। यदनंतरम ब्रह्मणो जिज्ञासा उद्भवितुम अर्हति, जिस वैराग्य के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा उठ सकती है। नहीं वैराग्य मंत्रेण ब्रह्मणों जिज्ञासा संभवती, वैराग्य के बिना परमात्मा की जिज्ञासा ही नहीं होगी उसको। तच्च वैराग्यम द्विविधम, और ये वैराग्य दो प्रकार का होता है, जो ब्रह्मणि जी ने प्रथम पंक्ति में अर्थ किया था उसी को खोल रहे हैं कि दो प्रकार का वैराग्य है। कैसे? दृष्टम अनुमितम च, एक तो प्रत्यक्ष देख करके और एक अनुमित अनुमान करके। दृष्ट क्या है? तो कहा दृष्टम तु रोग वियोग भोग दुखानुभवात भवती, रोग वियोग भोग के दुख के अनुभव से जो वैराग्य होता है ये तो है दृष्ट, देखा हुआ, अनुभव किया हुआ प्रत्यक्ष।
और अनुमितम तत्खलु, और जो अनुमित है वो क्या है, जगतो नश्वरत्व अनित्यत्व अनुमानात जायते, संसार की नश्वरता और अनित्यता के अनुमान से उत्पन्न होता है। वही जो पहले बात कही थी उसी को खोल के यहां पर बताया। आगे कर्म मीमांसायाम विहितानि कर्माणि चरित्वातु केवलम आभ्युदयिकम एव सुख वैशिष्ट्यम अनुभूतम भवति। कर्म मीमांसा में विहित जो कर्म है उनको चरित्वा करके तो केवल आभ्युदयिक सुख विशिष्ट की ही अनुभूति होगी। अभ्युदयिक सुख का मतलब हुआ अभ्युदय, इस अभिमुखी जो हमें सुख मिलता है, जो इस शरीर में मिलता है, इस संसार में जो सुख मिलता है, जो हमें दिखाई देता है मात्र, उसका कथन लिया जाएगा। तो जो हमारे को शरीर के साथ में मिलता है या परलोक में भी मिलता है तो शरीर के साथ में मिलता है, केवल उनका ग्रहण होगा। तो अभ्युदयिकम एव सुख वैशिष्ट्यम अनुभूतम भवति, लेकिन तत्रापि रोग वियोग भोग दुख अनुच्छित्तिर नास्ति, दुख अनुच्छित्तिर नास्ति। इन स्थितियों में भी जो कर्मकांड या पुण्य कर्मों को करने के बाद में हमें अच्छी स्थितियां प्राप्त होती हैं, अच्छा शरीर, अच्छे साधन, अच्छा परिवार, अनुकूलता, वहां भी रोग वियोग और भोग से होने वाले दुख तो विद्यमान है ही। इसलिए कर्म से वो चीज नहीं प्राप्त हो सकती, ये जिसको बोध हो गया है, अब वो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, अब वो वास्तव में अध्यात्म की तरफ आता है। न च नश्वरत नश्वराद अनित्यात परम अनश्वरम नित्यम अमृतम वस्तु उपलभ्यते। ये जो नश्वर और अनित्य संसार है, इससे नित्य अनश्वर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए ये भी त्याज्य है। अब यहां इनके वाक्य को हमें समझना होगा। वैसे तो परमात्मा की प्राप्ति हमें इस अनित्य शरीर से ही होती है, उपनिषद में भी आता अनित्य ने नित्यम प्राप्तवान अस्मि, मैंने इस अनित्य शरीर के द्वारा नित्य परमात्मा को ब्रह्म को प्राप्त किया है, इस अनित्य संसार का उपयोग करके, नश्वर संसार का उपयोग करके मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है। इस दृष्टि से तो यह साधन है, और परमात्मा ने यह शरीर और संसार बनाया ही इसलिए है कि इससे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकें, ब्रह्म को जान सकें, यही लक्ष्य है। लेकिन ब्रह्मुनि जी ने जो लिखा है कि न च नश्वरात अनित्यात परम, नश्वर और अनित्य से दूर श्रेष्ठ जो अनश्वर नित्य अमृत है, वो न ऐसी वस्तु है, वो न उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं होती है। इसको यूं समझें कि अनित्य और नश्वर वस्तुओं को पाने से मात्र नित्य अनश्वर अमृत वस्तु नहीं मिल सकती। बस हमने उसको पा लिया तो बस वही है हमारे पास में, इसी के पाने में लगे हैं, अनित्य नश्वर चीजों के पाने में लगे हैं, तो उनको पाते हुए पाते जाएंगे जिससे कभी भी हमें नित्य अनश्वर अमृत परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधन के रूप में तो ठीक है ये, लेकिन यदि इनको लक्ष्य बना लिया तो इनको लक्ष्य बना के जब तक चलेंगे तब तक नित्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस अर्थ में यहां पर लेंगे, नहीं तो अन्य शास्त्र से इसका विरोध आ जाएगा। आगे अस्ति नाम किमपि दुखात परम स्थिर सुख रूपम नित्यम अमृतम च ब्रह्माधि विधेयम वस्तु। लेकिन अस्ति नाम, ऐसा कुछ तो है जो कि इस दुख से भी परे है, स्थिर सुख रूप है, नित्य अमृत है, जिसको कि ब्रह्म नाम से कहा जाता है, ऐसी एक वस्तु तो है उपलब्ध। तो तरही तज जिज्ञासायाम इति आकांक्षायाम, तो अब उसकी जिज्ञासा मुझे करनी है, उसके अंदर का प्रश्न बन गया कि ब्रह्म को जानना है, मेरे को नित्य सुख को पाना है, ये उसकी जिज्ञासा हो गई है। तो ऐसे में अथ शब्दो अनंतरार्थ, अब ये अनंतर के लिए बता रहे हैं, इस सबके बाद में अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है, इसलिए सूत्र में जो अथ शब्द आया इसको अनंतर अर्थ में लिया, वैराग्य के बाद, दुख देखने के बाद में। ये अथ शब्द की व्याख्या हुई है सूत्र के। अब इसके बाद में है अतः, उसको खोल रहे हैं। अतः अतः शब्दो हेतु, अतः शब्द यहां पर हेतु के रूप में, कारण बताने के लिए, इस कारण से अतः यन निर्बाधम स्थिर सुखम अथ च मृत्यो परा
अमृत अनुभूतिश्च यथा स्यात्। अतः हेतु कि निर्बाध स्थिर सुख और इस मृत्यु से परे अमृत की अनुभूति हो जाए, इस हेतु से, इस अतः तो इस दुख के बाद में अनंतर, और इस हेतु से कि मुझे नित्य सुख की प्राप्ति हो जाए, इस कारण से। इधर कारण बना अनंतर दुख, वैराग्य हुआ, और चूंकि मुझे इससे हटना है और सुख प्राप्त करना है, इस कारण से इति हेतु। तो ये अतः शब्द का इन्होंने अपना तात्पर्य तो लिखा। अब इसके बाद में शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं। शंकर भाष्य वहां जो लिखा है उसको उद्धृत करें। यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनाम श्रेय साधनानाम अनित्य फलताम दर्शयति। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि यस्मात्, जिस कारण से, क्यों, चूंकि वेद भी अग्निहोत्रादि श्रेय साधनों की अनित्य फलता को दिखाता है। श्रेय जो अच्छा करने वाले हैं, श्रेष्ठ साधन है, उसमें भी यज्ञादि की अनित्यता को वेद दिखाता है। अर्थात वेद में इसको अनित्य माना, इसके फल को अनित्य माना, इसको हे कोटि में रखा, बोले ये वेद दिखाता है। वेद के नाम से वो जो लिखते हैं वो तो आगे आएगा, लेकिन इन्होंने वेद शब्द किया। अग्निहोत्रादि श्रेय साधनों की अनित्य फलता को दिखा रहे हैं। वो हमेशा नहीं रहते, अच्छे तो हैं फल लेकिन हमेशा नहीं रहते, कुछ ही समय क्षणिक रहते हैं, थोड़े समय रहते हैं, लंबे समय नहीं रहते। तो उन्होंने जो उद्धृत किया है ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है, सीधे वेद में नहीं है, ये छांदोग्य उपनिषद का है, उसको भी ये वेद नाम से उद्धृत करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद नाम से कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं ये उपनिषदें अधिकांश। तो इन्होंने उस वचन को उद्धृत किया। तद यथेह कर्म चितो लोक क्षीयते, जिस प्रकार से यहां पर कर्म से चित संचित, जित भी यहां पर पाठभेद मिलता है, कर्म जित, तो कर्म से इकट्ठा किया हुआ जो लोक है, संसार है, वो क्षीयते, क्षीण हो जाता है। हम विभिन्न कर्मों को करते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं कर्म करके, कर करके हमने ये इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया, एक संसार खड़ा कर लिया, वो भी कभी क्षीण हो जाता है। तो जिस प्रकार से इस संसार में कर्म से इकट्ठा किया गया लोक संसार क्षीण हो जाता है, एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो या जितो लोक क्षीयते, उसी प्रकार से अमूत्र यानी इस जन्म के बाद में दूसरे जन्म में पुण्य से होने वाला जो लोक है, संसार है, वो भी क्षीण हो जाता है। अर्थात किसी के मन में ये आए कि चलो इस संसार में तो जो हम इकट्ठा करते हैं वो क्षीण हो जाता है, मैं पुण्य कर्म करूं तो हमेशा के लिए फिर सुख में रहूंगा, हमेशा सुख साधनों में रहूंगा, ऐसा किसी के मन में हो सकता है। तो कहते हैं जैसे ये संसार में क्षीण होता है, ऐसे ही जो हम पुण्य कर्म करते हैं उसका फल जो अगले जन्मों में मिलता है वो भी क्षीण हो जाता है, भोग लेने पर समाप्त हो जाता है। तो क्षीण होना ये तो दोनों में ही है, चाहे इस लोक का हो चाहे परलोक का। ये छांदोग्य का, वेद का, इनकी दृष्टि से वेद का इन्होंने प्रमाण दिया छांदोग्य उपनिषद का। इति हेतु निर्दिष्ट, ऐसा हेतु शंकराचार्य जी ने कहा। ब्रह्मुनि जी इस पे अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, सन युक्त, ये उनका कथन ठीक नहीं है। क्यों? बोले यावता अथ शब्द से व्याख्याने, जैसे कि आपने अथ शब्द के व्याख्यान में, शंकराचार्य जी ने क्या किया था कि कर्म के बिना, कर्म की अनंतरता ना रहे, शब्दमादि को लिया था, उसके व्याख्यान में उन्होंने लिखा था धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ते है। ये शंकराचार्य जी का वचन है। यहां जो धर्म जिज्ञासा है, यहां धर्म का मतलब है कर्म, जो मीमांसा से संबंधित विषय है। धर्म की जिज्ञासा के पहले भी, यानी कर्म की जिज्ञासा के पहले भी, अधीत वेदांतस्य, जिसने उपनिषदों को पढ़ लिया है, यहां वेदांत शब्द उपनिषद के लिए है, वेद का अंत, वेद का रहस्य, वेद का सार उपनिषद है, ऐसे भी वेदांत को कहा जाता है। और शंकराचार्य जी ने के जो तीन भाष्य हैं वो प्रस्थानत्रयी के नाम से वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, एक तो ब्रह्मसूत्र का, उपनिषद का और गीता का, ये तीन को उनके विशेष ग्रंथ माने जाते हैं। तो प्रागपि अधीत वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ते है। शंकराचार्य जी के हेतु दे रहे हैं कि यहां कर्म को धर्म को क्यों नहीं लिया, कर्म को जानने के बाद में ब्रह्म की जिज्ञासा। तो बोले कर्म को जाने बिना भी केवल वेदांत पढ़ के, यानी तो उपनिषद पढ़ के ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है, इसलिए कर्म वाला अर्थ नहीं ले सकते, उन्होंने हेतु दिया। यहां वेदांत का मतलब उपनिषद इसलिए लेते हैं क्योंकि वेदांत की ही तो भूमिका में कहा गया है कि वेदांत दर्शन में जो ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया वो क्यों कहा गया,
वो तो वेदांत के ही ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, यानी उपनिषद से हो जाती है, इसलिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने हेतु दिया। तो इसके ऊपर ये ब्रह्म मुनि जी बोल रहे हैं, इति धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा अंतरेण धर्म जिज्ञासा प्रागेव ब्रह्म जिज्ञासा उपगच्छेत। यदि धर्म की जिज्ञासा, कर्म की जिज्ञासा के बिना ही, धर्म जिज्ञासा के, कर्म की जिज्ञासा के पहले ही ब्रह्म जिज्ञासा यदि उत्पन्न हो जाती है, तरही अतः इत्यत्र धर्म ज्ञान फलक्षयो हेतु प्रदर्शनम अनवसरम एव। तो फिर जो इन्होंने पीछे दिया था कि धर्म के फल, धर्म के ज्ञान का फल का क्षय तो एकदम हो जाता है, कर्मचित लोग अमूत्र परत्र भी वो भी क्षीण हो जाते हैं, ये जो हेतु उन्होंने प्रदर्शित किया इसकी तो कोई फिर आवश्यकता ही नहीं है। कर्म क्यों नहीं, कर्मचित लोग क्षीण हो जाता है इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब आप ये कह रहे हो एक तरफ कि कर्म की जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा के पहले ही ब्रह्म जिज्ञासा भी हो सकती है, तो फिर तो ये क्षीण हो जाएगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने खंडन किया, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा को खोल रहे हैं, ब्रह्मणो जिज्ञासा, ये षष्ठी विभक्ति में विवेचन कर दिया, समास को खोल दिया, ब्रह्मण और ब्रह्मण शब्द को खोल रहे हैं। ब्रह्म का मतलब क्या है, महद्भूतस्य अनंतस्य अखंडस्य ब्रह्म नामकस्य वस्तुनः जिज्ञासा। तो जो महत है, महद्भूत है, बहुत बड़ा है, जो अनंत है, अखंड है, ऐसे ब्रह्म नाम वाली वस्तु की जिज्ञासा। ब्रह्म भी एक वस्तु है, कई लोग कहते हैं भाई तो केवल शक्ति है, ब्रह्म भी एक वस्तु है, द्रव्य है, उसकी जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द को खोल दिया, ज्ञान। वेदांत दर्शन की पहली कक्षा। वैदिक दर्शनों में